तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम अपना सेटअप दिखाइए, आप वीडियो कैसे बनाते हैं, कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, कौन सा माइक यूज़ करते हैं, कैसे वीडियो शूट करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये इस तरह का बहुत सारा कमेंट आया था। तो मैं सोची कि इस पर एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ मोटिवेट मिले कि मैं कितना मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, कैसे वीडियो बनाती हूँ, कहाँ पर बनाती हूँ, मेरे पास क्या क्या है वीडियो बनाने के लिए। ये सब कुछ देखने के बाद आपको भी मतलब कि मन हो जाएगा, कोई बहाना नहीं खोजिएगा कि मुझे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी मोटिवेट मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना वीडियो कैसे शूट करती हूँ, कहाँ पे शूट करती हूँ, सब कुछ ये वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप देख पाइएगा कि मैं कितना मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, कैसे कहाँ पर वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए अभी फ्रेंड्स, मैं अपना बैक कैमरा ऑन कर रही हूँ और आपको मैं सारा सेटअप दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ पर बैठ के कैसे वीडियो बनाती हूँ और कौन सा स्टैंड वगैरह क्या सब यूज़ करती हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पे देखिए, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, ये जो वॉलपेपर आता है इस तरह का, और भी मतलब कि और भी कलर डिज़ाइन में आता है। तो इस तरह का मैंने यहाँ पे वॉल में अपना देखिए यहाँ पे इस तरह, ये देखिए वॉलपेपर लगाया हुआ है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे एक टेबल छोटा सा रखती हूँ जिसे कि मैं यहाँ पर बैठ के और टूल का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस तरह टीवी वगैरह यहाँ पे है एक वॉल में, यहाँ पे वहाँ पे देख रहे हैं तो गेट है और दो लाइट है मेरे पास एक्स्ट्रा, कोई बोलिएगा कि रिंग लाइट ये सब मेरे पास नहीं है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लाइट जलता है और यहाँ पे एक ट्यूब लाइट है बस। उसके बाद फिर देखिए इसी में किचन वगैरह है, यहाँ पर मैं खाना पीना बनाती हूँ, इधर मेरा बेड वगैरह है, ये सब देख सकते हैं आप। और वहीं पर मैं बेड पर ही बैठ के मैं लाइव आती हूँ, जब आप लोग लाइव आते हैं मेरे चैनल पर, आप लोगों को पता ही है कि मैं 1 बजे 1-1.5 बजे पहले लाइव आती थी, लेकिन अभी मैं 3 बजे के बाद लाइव आती हूँ, कोशिश करती हूँ 2:30-3 बजे के बीच में मैं डेली लाइव आती हूँ। तो यहीं पे बैठ के मैं लाइव करती हूँ क्योंकि यहाँ पे उधर नहीं बैठ पाती हूँ क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे मतलब थोड़ा अच्छा लाइट आता है, इसलिए लाइव में यहीं पर बैठती हूँ और यहीं पर बैठ के मैं लाइव करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख ही सकते हैं इस तरह का यहाँ पे मेरा रूम है, एक ही रूम में सब कुछ करना है, खाना पीना रूम सब कुछ यहीं पे है, बेडरूम वगैरह, और वीडियो भी इसी रूम में बनाना है, इसीलिए मैं कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है लाइव, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि छुट्टी के दिन मेरा लड़का भी घर पे ही रहता है, मेरा 3 साल का लड़का है, आप लोगों को पता ही है, मेरा पुराना व्यूवर्स है। तो अगर नए हैं तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, एक लड़का है मेरा 3 साल का, वो अभी स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है तो उसी टाइम में 3-4 घंटा वो स्कूल में रहता है, उसी टाइम में वीडियो शूट कर लेती हूँ। जैसे कि अभी देखिए अभी 12 बजने वाला है और 12 बजे वीडियो में शूट कर रही हूँ, तो उसको 1 बजे लाने जाना पड़ता है, तो उससे 1 बजे से पहले मुझे सारा वीडियो वगैरह शूट कर लेना पड़ता है। तो मैं सोची कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ मोटिवेट मिले, मैं इतना मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जब सोच लेते हैं कि हमें काम करना है तो हम लोग बहाना नहीं देखते हैं, कुछ भी हो आपके पास एक मोबाइल हो तो भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, एक तो हमें हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, उसके बाद माइक होना चाहिए और एक आपके पास सिंपल सा ट्राइपॉड होना चाहिए ताकि उसमें आप मोबाइल लगा के अच्छा से मतलब कि रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ट्राइपॉड मेरा देख ही सकते हैं, इस तरह का यहाँ पे मेरा ये ट्राइपॉड है। आप लोगों को मैं बताई थी कि पुराना ट्राइपॉड मेरा लड़का तोड़ दिया था, तो ये नया ली थी, अभी ये 5-6 महीना हो गया है। और ये मेरा रेडमी का मोबाइल है, Redmi 9, इसी मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, इसी मोबाइल से मैं वीडियो अपना शूट करती हूँ, और जो अभी वीडियो बन रहा है ये दूसरा मोबाइल है जिससे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल सोची कि इसी मोबाइल से वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मोबाइल इस तरह लगाती हूँ, उधर बैठती हूँ और यहाँ से वीडियो शूट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप रूम वगैरह देख ही लिए हैं कि एक ही रूम में मुझे सब कुछ करना है, इसीलिए मैं मतलब कि कभी कभी लाइव नहीं आ पाती हूँ क्योंकि मेरा लड़का का छुट्टी रहता है, हस्बैंड का छुट्टी रहता है, तो ये अलग तो रूम है नहीं जिसमें मैं बैठ के वीडियो बना लूँ, तो इसीलिए मुश्किल हो जाता है, रेगुलर वीडियो नहीं आ पाता है जिस दिन वो लोग का छुट्टी रहता है, उस दिन मेरा वीडियो नहीं आ पाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा वीडियो बना लेती हूँ और फिर शेड्यूल मोड में करके रख देती हूँ ताकि जिस दिन छुट्टी रहे उस दिन मेरा वीडियो भी चैनल पर आ जाए और मेरा चैनल भी रेगुलर रहे, उस पर वीडियो आते रहेगा और इधर भी हो जाएगा, मतलब कि इसीलिए दिक्कत होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख ही लिए हैं सब कुछ, तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो में देख ही लिए हैं कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ, कहाँ पर बनाती हूँ, और आप ये भी देख लिए कि मेरे पास एक्स्ट्रा लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, जो आप सोच रहे हैं कि अलग से मेरे पास सेटअप है, सेटअप ऐसा कुछ भी नहीं है, यहीं पे
एक यहाँ पे मैं वॉलपेपर लगा रखी हूँ, यहीं पे बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ, और एक मेरे पास वही ट्राइपॉड है और एक माइक है और फ़ोन है। यहाँ पे माइक के बारे में तो मैं बता ही थी कि मैं बोया का माइक यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास माइक नहीं है तो 700-800 में आपको मिल जाएगा, अमेजोन से आप ले सकते हैं। तो यही है मेरे पास। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मेरे पास माइक नहीं है, मोबाइल नहीं है, सेटअप नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, तो इतना मतलब कि टेंशन मत लीजिए। आपको सोचिए कि मुझे वीडियो बनाना है तो आप एक सिंपल सा मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि मैं पहले जब मैं वीडियो स्टार्ट की थी तो मेरा पुराना वीडियो जाके देखिए, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था उस टाइम, ट्राइपॉड भी था, मतलब सिंपल सा ट्राइपॉड था, वो भी मतलब उतना अच्छा नहीं था, ट्राइपॉड नहीं था, दो मोबाइल फ़ोन नहीं था, माइक नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो बनाते तो आपको माइक का भी ज़रूरी ही है। माइक बिना भी आप वीडियो बना सकते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन का ही फ़ोन में ही रिकॉर्डिंग करके बिना माइक का भी वीडियो बना सकते हैं। पुराना वीडियो मेरा देखिए, फिर भी मेरा वॉइस क्वालिटी एकदम फ्रेश आता है। मैं बिना माइक का पहले वीडियो बनाती थी, और ये माइक मेरा लिया हुआ एक साल हो गया, लगभग एक साल पहले मैं माइक ली थी, उससे पहले मेरे पास कोई भी माइक नहीं था, और जो वॉलपेपर यहाँ पर देख रहे हैं वो भी मेरे पास नहीं था। पुराना वीडियो देख लीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या क्या था उस टाइम, क्या क्या नहीं था। और अभी मेरे पास फिलहाल दो मोबाइल फ़ोन है, तो पहले मोबाइल मेरा दो मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं था, एक ही मोबाइल था, वो भी दूसरा कौन एमआई का था, एमआई का फ़ोन सिंपल सा था, उसका कैमरा भी उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मैं उसी मोबाइल से वीडियो बनाती थी। बस मेरे पास एक मोबाइल था, और बाद में एक दो महीना वर्क करने के बाद ट्राइपॉड ली थी, वैसे मैं मोबाइल कहीं पे रख देती थी, उस तभी मैं वीडियो शूट करती थी, कहीं पे मोबाइल रख देती थी या किसी से मतलब कि मोबाइल पकड़ने को बोलती थी, और उसके बाद मैं सिलाई का वीडियो बनाती थी। एक दो महीना वर्क करने के बाद ट्राइपॉड ली हूँ। तो आप लोगों के पास भी अगर एक मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो बना सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं बना पाऊँगा, ये सब सोचना छोड़ दीजिए। 2023 आ गया, आप लोगों को पता ही है कि कल से एक तारीख था और 2023 आ गया है। तो इस मतलब 2023 में कोशिश करिए न्यू चैनल बनाए और वर्क करें यहाँ पे, क्योंकि YouTube पर मतलब कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सक्सेस यहाँ पे ज़रूर आपको मिलेगी। यहाँ पे मेहनत चाहिए, ये नहीं कि एक दिन काम किए और 10 दिन गायब हो गए। अगर आप यहाँ पे रेगुलर करते हैं, मेहनत अच्छा से कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बता दी हूँ कि मैं कैसे कहाँ पर और क्या क्या यूज़ करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, सब कुछ इस वीडियो में बता दी हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन हो पूछने के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आप लोगों को बता दूँगी, कमेंट का रिप्लाई आपको कर दूँगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाने के लिए बहाना करते हैं वो बहाना बंद कर दें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।